कैसी तबीयत है? मैं क्या, मेरी कैसी तबीयत? तुम्हारी दुल्हन आ गई है, उसके नखरे उठाओ। अब तक नाराज है मुझसे? नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? तुम्हारी दुल्हन है, कल आई और आज तो मुझे भूल गए हो। ठीक है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। मैं तो आपसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन मुझे बीनी ने कहा कि आप सो रही हैं। वो आपको खुद बता देगी। मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। सोई भी थी ना, मर तो नहीं गई थी। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? प्लीज। ठीक है, मैं आइंदा बीनी की नहीं सुनूंगा, मैं खुद आ जाया करूंगा आपके पास। पता ना, तुम मेरी जान हो, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे फरीद, बीनी से बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम मेरे फरमा बरदार बच्चे हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। मुझे धोखा देकर शादी करनी जरूरी थी क्या? मुझे डर लगता है माँ की दुआ किसी काम में शामिल हो वो कामयाब नहीं होती। मामा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आपकी दुआओं की तो मुझे जिंदगी के हर कदम पे जरूरत है। मैंने कोई नाफरमानी नहीं की मामा, मैं मजबूर था। जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हें कुछ कहा नहीं है। तुम्हारी मजबूरी सलीम है ना, काश तुमने मुझे बताया होता। मैं चाहती उसकी ब्लैकमेलिंग का बदला लेती, सबक सिखाती उसे। ना कुछ हो गया, लेकिन अपनी बीमार माँ से वादा करो कि तुम आइंदा कभी नाफरमानी नहीं करोगे। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरा तुम्हारे